एक्सपेरिमेंट कैसा होगा देखो आप, यहाँ थोड़ा सा हम लिया है हमने कॉपर सल्फेट, देखो जो ब्लू कलर का है, अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा हो तो जूम करके देखिएगा, ये देखिए ब्लू कलर का है। अब हम यहाँ डालते हैं थोड़ा सा वाटर ताकि ये सोल्यूशन के फॉर्म में आ जाए। तो हमने यहाँ डाला वाटर, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा स्टैर कर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए और बढ़िया से एक सॉल्ट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि मैंने इसको डिसॉल्व किया और ये बन गया आपका सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन। देखो कितना सुंदर सा ब्लू कलर का सोल्यूशन बना है ना। अभी भी देखिए काफी सॉल्ट बाकी है, इसको थोड़ा स्टैर कर लेंगे, इसको हम थोड़ा सा और मिक्स करने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा मिक्स हो उतना ही अच्छा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा और हम वाटर साइड डाल सकते हैं, तो हमने डाला और हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा स्टैंड करेंगे। तो ये हमारा बन रहा है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। सो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ना, इसका एक रिएक्शन है जो हम रिएक्शन करने वाले हैं इस आयरन के साथ, ये जो नेल हमने लिया है, ठीक है, ये रिएक्शन एक्चुअली में क्लास 10 केमिस्ट्री में है जो कि एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होने वाला है हम वो ऑब्जर्वेशन के बाद डिस्कस करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेल है, जो आयरन नेल है, इसको हम यहाँ पे टिप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, किस चीज के बीच में हो रहा है, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट। तो हम देखेंगे कि इसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद क्या ऑब्जर्वेशन होता है। रखने का तो आप इसको एक दिन भी रख सकते हो ताकि और आपको बेटर ऑब्जर्वेशन मतलब दिखाई दे, पर आप 15-20 मिनट तक इसके काफी चेंजेस देख सकते हो। तो क्या चेंज होने वाला है ये हम देखेंगे 15 मिनट के बाद, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट था, अब ये चेंज हो गया है ग्रीन कलर फेरस सल्फेट सोल्यूशन पे। तो ये रिएक्शन इसलिए पॉसिबल था क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हैंस इट डिस्प्लेसेस कॉपर टू प्रोड्यूस फेरस सल्फेट सोल्यूशन व्हिच इज ग्रीन इन कलर, एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द नेल टू मेक इट ब्राउन।